नमस्कार दैत्यनगर प्रमुख खबर सह बारवाटी धौली एक्सप्रेस आरंभ करिबा खबर यात्रा किंतु आगक बढ़िया पूर्व प्रथम देखिनबा कौन रही हेडलाइंस। सीबीआई ऑफिस रे पहुंचला श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प विवाद, पूरा घटनार सीबीआई जांच दावी कला जगन्नाथ सेना। राज्य सरकार देखाइथिबा एनएमए र एनओसी जाली अभियोग, सीबीआई तदंत कले सत पदाकु आसिब। पड़ी हाथ में घड़ू वर्षा, अनुभव का फैमिली मैटर सबु सीमा उल्लंघन कर स्टार कपूर का पारिवारिक विवाद, सेलिब्रिटी युववर्ग हो दिगहरा, सोशल मीडिया रे फैन का मध्य फाइट। ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम प्रसंग, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश को उल्लंघन करने नहीं राज्य शिक्षा विभाग और ओपीएससी को यूजीसी चिट्ठी, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश को पालन करने सह नियुक्ति प्रक्रिया दूरे रहा निर्देश, अवमानना कले आईनगत कार्यानुष्ठान नेबा को तागिद। कमिला बस भड़ा राज्य में तैल दर ह्रास पर कमिला बस भड़ा, साधारण बस भड़ा तीन पैसा ह्रास, आज सारा राज्य में लागू हेब नुआ भड़ा। महंगा माड़ टिके रिहाती, पेट्रोल और डीजल पर कमिला खाइबा तेल दर, पर बजार एवं भी चड़क, टमाटो 100 आलु 25 रे होउछि किणा। पखे आसुची मौसुमी मात्र सुधुरुनि, स्मार्ट सिटी रा ड्रेनेज व्यवस्था, राजधानी प्राची बिहार रे 2 वर्ष हेबा सरुनि रास्ता काम, जलबंदी समस्या को नहीं एवं राजधानीवासी मन में प्रश्न। बारवाटी जमेब फटाफट क्रिकेट मुहांमुही, एवं भारत तो दक्षिण आफ्रिका पिच एवं आउटफिल्ड काम शेष कला ओसीए, जून 1 रु ऑनलाइन 9 रु ऑफलाइन रे टिकेट बिक्री। जोर धरला श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प विवाद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप दाबी कला श्रीमंदिर सुरक्षा अभियान। आ श्रीमंदिर सुरक्षा अभियान पक्षर लेखा गला पत्र, श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प श्रीमंदिर विकास ना विनाश बोली प्रश्न करिछि अभियान। आउ चारि पृष्ठा सम्बलित पत्र रे श्रीक्षेत्र रे चालितिबा बेआईन काम उपरे उल्लेख करा जाइछि। अभियोग अभियान करिछि जे श्रेष्ठ कलार निदर्शन श्रीमंदिर सुरक्षा आज विपद, श्रीमंदिर परिसीमार 75 मीटर भितर राज्य सरकार काम करथुवा बळे कोनोसी अनुमति पत्र नै नाहंती, पुरातन कीर्तिराजी स्थल रे काम हेबा पूर्वरु कोनोसी प्रकार जीपीआर सर्वे काम होई नाही, एएसआई को बिना अनुमति रे एभली अवैध खनन और निर्माण कार्य, कहा स्वार्थ रे आध्यात्मिक स्थली को पर्यटन स्थली रे परिणत करिबा पछरे की उद्देश्य रहिछि, निकट भविष्य रे मंदिर रे जदि किछि क्षति हुए किंबा तसेति पई किए दायी रहिबो, एभली बेआईन कार्य तुरंत बंद हो श्रीमंदिर सुरक्षा अभियान पक्षर कहा। तो जोरदार जोर धरी श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प विवाद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप दाबी कला श्रीमंदिर सुरक्षा अभियान। आ श्रीमंदिर सुरक्षा अभियान पक्षर लिखा जा पत्र, श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प मंदिर विकास ना विनाश बोली प्रश्न करिछि अभियान। आ चारि पृष्ठा सम्बलित पत्र रे श्रीक्षेत्र रे चलिथिबा बेआईन काम उपर उल्लेख करा जायछि। अभियान अभियोग करिछि श्रेष्ठ कलार निदर्शन श्रीमंदिर सुरक्षा आज विपद, श्रीमंदिर परिसीमार 75 मीटर भितर राज्य सरकार काम करथुवा बळे कोनोसी अनुमति पत्र नै नाहंती, पुरातन कीर्तिराजी स्थल रे काम हेबा पूर्वरु कोनोसी प्रकार जीपीआर सर्वे काम होई नाही, एएसआई रा बिना अनुमति रे एभली अवैध खनन और निर्माण कार्य, कहा स्वार्थ रे आध्यात्मिक स्थली को पर्यटन स्थली रे परिणत करिबा पछरे की उद्देश्य रहिछि, निकट भविष्य रे मंदिर रे जदि क्षति हुए किए सेति पई दायी रहिबो, एभली बेआईन कार्य तुरंत बंद हेउ, एक कथा कहा जायछि श्रीमंदिर सुरक्षा अभियान पक्षरु। एवं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखी हस्तक्षेप करने अनुरोध करा जाएगी।
ये होची आपण देखुछंती से पत्र जोटा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को लिखा जाई छी एवं एथिरे तुरंत हस्तक्षेप करिया पई कहा जाई छी। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प मंदिर और श्रीमंदिर विकास ना विनाश ए टैग लाइन सहित श्रीमंदिर सुरक्षा अभियान पक्षरु पत्र लिखा जाई छी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री निकट को। सीबीआई ऑफिस रे पहुंचला श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प विवाद पूरा घटनार सीबीआई जांच दावी करिछ जगन्नाथ चना। जगन्नाथ चनार अभियोग एबे सुधा सरकार जेउ एनओसी देखाई आसुथिले ताहा जाल वैध अनुमति न थाई सरकार प्रकल्प काम करुथिले बोली अभियोग करिछ जगन्नाथ चना। राज्य सरकार देखाइथिबा एनएमए र एनओसी जाल बोली अभियोग होइछ। सीबीआई जांच कले पूरा घटनार सत्यासत्य सामना को आसिबो बोली कहिछन्ति जगन्नाथ चना आवाहक। सरकार बेआईन कार्य करुछन्ति दोष घोड़ेबा को मिछो उपरे मिछ कहि चलिछन्ति। जिलापाल गोटु पिनाकी मिश्रंक पर्यंत मुख्य शासन सचिव गोटु एएसआई प्रत्नतत्व विभाग पर्यंत ए मिछ कहा स्वार्थ रे एथिपेई का आमे पुरी टू दिल्ली पर्यंत जगन्नाथ सेना 4.5 मास होलाने आंदोलन जारी रखिछि। ए आंदोलन शेष पर्यंत जारी रहिब। एई कागजटी की मु आपनको माध्यम रे आमे देखिया को चाहुचु। एईटा हला सेई एनओसी जोटा को जिलापाल मोड़ी की देखैथिले अधा मोड़ा एनओसी रो ए हला कागज। एई डॉक्यूमेंट को से देखैथिले आम पाखरे परमिशन अछि एवं एई परमिशन बल रे आमे काम करूछु। किंतु एईटा हला 4/9/2021 मसिया रे एनओसी बोली से देखैले। किंतु 11/5 एई मास रो 11 तारिख रे आमे तले आरटीआई एक्ट रे मागिलु जगन्नाथ सेना पक्षरु हेमंत बाबू आमर मागिले से स्ट्रेट आमको लिखिले कौन सी नो एनओसी हाज बीन इशूड कौन सी एनओसी एनएमए देना ताल जोटा देखते सरकार जोटा देखते कलेक्टर जोटा देखे श्रीमंदिर चारिपटे बेआईन कार्य चली आम जोटा को प्रथम रू कौल मिछुआ राधुआ जिलापाल मिछुआ राधुआ सरकार प्रमाण हो गला गोटे जाली कागज डुप्लिकेट कागज देखना आपड़ ये समस्त की ठकी भारतीय पिंगल कोडर दफा 467, 468, 469, 471, 472, 420 आमसार आक्टर 30 क 30 ख 30 ग 166 मत मामला करने सीबीआई के आज प्रार्थना कलु। जदि सीबीआई नकला ए प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट जीव दरकार पड़े सुप्रीमकोर्ट जीव तल कोर्ट रे न्याय न पाइले सुप्रीमकोर्ट पर्यंत लड़े हम। चर्चारे वर्षा अनुभव का पारिवारिक विवाद एबे ए विवाद केवल दुई सेलिब्रिटी भितर आ सीमित ना सोशल मीडिया रे मध्य शीतल युद्ध आरंभ हो जाए विवाद आसी पहुंची दुई सेलिब्रिटी का फैन मान भितर सोशल मीडिया रे थिबा विभिन्न फेज रे देखा मिली उभय विरोध में दोषारोप लंबा फर्द। अनुभव घरोई हिंसा मामला एबे दांडरे पड़ी हाटरे गड़ुछि। पारिवारिक विवादर समाधान पई आईन विधि व्यवस्था रे पारिवारिक अदालत रे संपूर्ण गोपनीय भाबे करा जाउथिला विचार प्रक्रिया कारण एहा सहित जड़ित थिला दुई परिवारर आत्मसम्मान प्रतिष्ठा तथा किछि अकुआ कथा मात्र सबु सीमा लंघन करिछि वर्षा अनुभव पारिवारिक विवाद। एही मामला रे समस्त कथा अनुभव महांती सोशल मीडिया रे निज आड़ु सार्वजनिक करि सृष्टि करिछंती एक खराब परंपरा एवं पत्नी वर्षा को अपमान करबा पई सोशल मीडिया रा व्यवहार करा जाउथिबा साइबर थाना रे अभियोग करिछंती वर्षा प्रियदर्शनी। अन्यपटे लक्ष लक्ष लोकंकर पसंद दुई सेलिब्रिटी को पई युववर्ग हेउछंती दिगहरा तेबे न्यायिक प्रक्रिया भितरे थिबा एही पारिवारिक विवाद रो समाधान को अपेक्षा न करी सोशल मीडिया रे एभली आरोप प्रत्यारोप अत्यंत निंदनीय तेबे सोशल मीडिया वार को बंद करने को परामर्श देछंती वरिष्ठ आईनजीवी सौरचंद्र महापात्र। वर्तमान ये जो केस अनुभव एवं वर्षा केस को आम देखा ये बर्तमान दांडे पड़ी हाटे बाजुची आउ पारिवारिक अदालत भितर ना तेरे यहीटा गोटे खराब परंपरा सृष्टि करुच्ची दीजन होउछंती सेलिब्रिटी आउ जने होउछंती जनप्रतिनिधि एमाने एमती हेले युव समाज को प्रभावित करिव एवं सामाजिक व्यवस्था मध्य एक गोलमालिया परिस्थिति सृष्टि करिव सेमानकर उचित थिला मोर मत होउची जे सेमान द्विपक्षीय जक मकदमा करिछंती कोर्ट उपरे विश्वास रक्षा दरकार कोर्ट प्रक्रिया को मानिकरी चालिबा कथा ये सोशल मीडिया बा इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की व्यवहार करिकरी आको अपप्रयोग करिबा ठीक होउ नाही। अन्यपटे वर्षा द्वारा साइबर थाना रे होइतिपा अभियोग को भित्ति करी तदंत करुछंती साइबर टीम। अनुभव द रियल हीरो ऑफ केंद्रापड़ा
ଏହି ନାମରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ପେଜ୍ ନାଁରେ ବର୍ଷା ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ଇଜ୍ଜତକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପେଜ୍କୁ ବର୍ଷା ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ନିଜେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର ଥାନା କ'ଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ରହିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଯେ ମୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିକି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ, ନାଁ ଦିଆଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକିରି ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର, ଅର୍ଡିନାରୀ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ସେ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍କୁ ବର୍ଷା ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନୁଭବ ଦି ରିଏଲ୍ ହିରୋ ଅଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପେଜ୍କୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓପିଏସ୍ସିକୁ ୟୁଜିସିର ଚିଠି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2020 ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 3 ମାସ ପାଇଁ ରହିତାଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହିତାଦେଶ ଲଗାଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ୟୁପିଏସ୍ସି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ନେଇ ୟୁଜିସି ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ୟୁଜିସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଏବଂ ଓପିଏସ୍ସିକୁ ଲେଖିଥିବା ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ମେ 23 ତାରିଖରେ ଓପିଏସ୍ସି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତିର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ମେ 24 ତାରିଖରେ ବାଣିଜ୍ୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ନେଇ ଏସ୍ଏଲ୍ପି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ଏସ୍ଏସ୍ବିର ଅଣଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଆଗକୁ ମୌସୁମୀ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ସଫା ହେଉନି ପ୍ରାଚୀବିହାର ଡ୍ରେନ୍। ସେପଟେ ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି ରାଜଧାନୀର ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନି ବିଏମ୍ସି। ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ମାତ୍ର ସୁଧୁରୁନି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡରେ ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହୋଇନାହିଁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଲା, ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାସୁଛି। ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାଦିନେ ଯିବା ଆସିବା କରିହେଉନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କାମ ଚାଲୁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେଜବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବାଲା କରନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ସୁରେଜ ବାଲା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମେୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇଟା ଭିତ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଆମେ ପଡ଼ିବୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ପଡ଼ିବେ, ମରିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆପଣମାନେ ରହିବେ। ଏଠି ସବୁ ସ୍ଲାବ 8-10, 12-13 ଉପରେ ଗଣି ହେବନି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଗୋଟେ ଅଧା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେଦିନ ପଡ଼ିଗଲା ସାଇକେଲ ସହ, ସେ ସ୍ଲାବ ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ପିଲାଟା, ତାହେଲେ ଏବେ କିଛି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ, କିଛି ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ଏବେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଆକାର ଜଣେ ନଚୁନି, ଏମାନେ ବି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ବସିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କଥା? ଯଦି ପ୍ରାଚୀବିହାର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 2-3 ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ଗାଡ଼ି ମଟର କାର ଫାର ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ୱାଟକୋ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା ସେ ତଳ ପର୍ସନ୍ କେଉଁଠି 1.5 ଫୁଟ କେଉଁଠି 2 ଫୁଟ ଖାଲ ରଖିଛି, ଯାହାକି ମେନ୍ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ପାସ୍ କରୁନି, ନାଳ ପାଣିଟା ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଶୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯିବାଆସିବା କରିପାରନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସେ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନେ ଚଳିବେ, ଲୋକମାନେ ଯିବାଆସିବା କରିବେ କେମିତି, ଇଏ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କଳାଶୁଣୀ ପ୍ରାଚୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ 500ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଥିରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
दया वेस्ट केनाल ठारु पुरी बाईपास जातीय राजपथ पर्यंत थिबा ड्रेन सबु भांगिरुजि गलाणी। सेपटे स्वराज काम चालु रहिथिबारु प्राची बिहार बासिंक पई एहा बोझ उपरे ललिता बिडा परि होईछि। 25 रु ऊर्ध्व स्थानरे ड्रेन उपरे स्लाब नाही। ड्रेन वर्ष वर्ष धरि सफा नहबा जक मैला पानी रास्ता उपरे भासुछि। डस्टबिन व्यवस्था नकरि प्राची बिहार रे थिबा सबु गळी रे बीएमसी ओडिया पकाउथिबारु दुर्गंधमय परिवेश सृष्टि होउछि। आर कि विहित प्रतिकार करा जाऊ मो तरफ मु रिक्वेस्ट करुच्ची। आम प्राची विहार कमिटी तरफ मु रिक्वेस्ट करुच्ची आम जदि यहाँ विहित प्रतिकार ग्रहण न करा जाए आम समस्ते जाकि बीएमसी ऑफिस फेर कर प्राची विहार एरिया तो आम तो ड्रेन कम भी आम कि करूँ आउ जो भांगी जो कहते से आम सब प्राइट सब जो भांगी जाऊँगी आम सब चलेजु कम जहाँ मैंने आप नलेज आने आमको ये लगे आम आम संगे सागे टेकअप करेंगे सौटा नहीं से जो पर्टिकुला मैंने भुवनेश्वर बहुत जगह अच्छे जिन पर्टिकुला ये जगह जो जिन कहते मुझे देखा हेल्प बोले कहीदेव जिन कि आम टेकअप कर टेकअप कर देखिए आगक आसूँ प्राक मौसुमी वर्षा जलमंदी समस्या को नहीं राजधानीवासी हजार प्रश्न लगातार वर्षा हेले केमिति सामना करने को पड़ से नहीं भुवनेश्वर बासिंदा चिंता। एटी प्रश्न उठुची वर्षा पूर्वरु सरिबत ड्रेन मरामति काम ना पुणी थरे असराय वर्षारे उबुटु हुए स्मार्ट सिटी। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र मल्लिक सह अभिनय आदित्य नायक का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि प्रभाव सबु अत्यावश्यक सामग्री दर वृद्धि करितला सीधासलख प्रभावित होते लोके दीर्घ गोटे मास धरी कलबल हेबा परे पेट्रोल और डीजेल दाम कमी जितेबले केन्द्र सरकार उत्पाद शुल्क को कम कर देछंति उभय पेट्रोल और डीजेल क्षेत्र रे यहा परे कमी खाइबा तेलर दर मात्र एजाए कमिनी कंचा पनीपरिबा दर महंगा माड़ टिके रिहाती कारण कमी पेट्रोल और डीजेल दर दर कम होगापर नित्य आवश्यक सामग्री दर टिके कम हो फल मिली आश्वस्ति आसतु नजर पकाइबा क्यों दर केते कमिला पूर्वर सोरस तेल लिटर पिछा 180 रु 200 टंका बिक्री होता किंतु डीजेल दर ह्रास पाइबा वर्तमान 160 रु 190 टंका बिक्री हो रिफाइन तेल लिटर पिछा आगु 160 बिक्री होता बेले एवं 130 टंका बिक्री हो वर्तमान सरकार जो 20 लाख टन सोयाबीन तेल एवं 20 लाख टन सनफ्लावर तेल जोटा बाहर इम्पोर्ट होपे संपूर्ण टिकस मुक्त कर सुदूर प्रसारी प्रभाव मार्केट उपर पड़ एवं खाउटी निश्चित भाव ए लाभान्वित हे ए द्विमत होवार किसी ना 30 टाँग जो कम रश्चित सोसाइटी से लोक मान रिलैक्सेशन मिल कारण समस्त आज जल हाफ लिटर कम कार तेल खर्च ना बर्तमान आज का डेट रे तो 15 टाँग कम 30 टाँग कमीगला मैंने बहुत फाइनेंशियली लोक प्रेसर कमी गोटे पटे पेट्रोल डीजेल एवं रंधा तेलर दर कमुवा बेले कमुनी पर दर महंगा माड़े साधारण लोक हंतसंत हो राजधानी में टमाटो दर 100 रु तलू को खसुनी आलु दर कोपति 25 टाँह रोचे से भाई सबुज दर पर चढ़ा दर में बिक्री हो तेरे राज्य उत्पादन कम थी समस्या सृष्टि होता अभियोग टमाटो नासिक जो आमदानी आम कहीलु बेंगलोर तो एपर्तंत फसल बाहरी ना आमरा जोटा दिल्ली दिल्ली पाखे गोटे टमाटो बाहर से एपर्तंत आसनी दि चार गाड़ी आईला कि नासिक जो टमाटो आमको सहयोग कर नासिक प्रचुर वर्षा हो जाए जो तीन दिन तलठ आम टमाटो गाड़ी लोड हो पाला ना टमाटो 80 टाँह आउ कि गोटे गोटे कि अढ़े पकेट निश्चय बाधुची तथा चलिए पड़ी जी दरकार से महंगा महंगा भितर चली जीवन सौदा पनीपरिया दरदाम वृद्धि कमार ना ने फल प्रभावित होसईशाला भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीपक साहू के साथ कविता स्वाई का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बारवाटी टी20 मैच को हाथ में मात्र दिन कईटा रही पीच ठार आरंभ करी गैलरी प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची दीर्घ अढ़ाई वर्ष पर
निजर पसंदर खेला बारवाटी रे खेलिबार दृश्य को उपभोग करने उत्साह सहित अपेक्षा कर दर्शक जून एक रु आरंभ ऑनलाइन टिकेट बिक्री फटाफट क्रिकेट रे बारवाटी रे मुहांमुही होगा जाऊँच भारत दक्षिण आफ्रिका टीम उभय देश रे टीम रे बहु दक्ष खेलाड़ी बेले क्यों टीम बारवाटी दखल कर पूर्वानुमान करवा एक प्रकार असंभव बारवाटी आउटफिल्ड रे परिवर्तन आसीथिले मध्ये पिच पूर्वभली स्थिति रे रहिछि फलस्वरूप एही हाई स्कोरिंग मैच हबो बोली आशा प्रकाश करिछन्ति क्रिकेट प्रेमी के मजा तो कमी हो जा भी हो विराट कोहली रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ बड़ प्लेयर तांको तो जा भी हो मिस करियु किंतु बहुत यंग टैलेंट भी आसछन्ति तांको देखिया कोई मजा आसीबो उमरान मल्लिक ऋतुराज गायकवाड़ एमाने सब भल आईपीएल लास्ट आड़ भल परफॉर्म करते उमरान मल्लिक बहुत भल आईपीएल जाइला ऋतुराज गायकवाड़ स्टार्टिंग भल फॉर्म नाला कि लास्ट आड़ को फॉर्म फेरी आसाला तो आशा करूँ भल खेल भल देखा मिले जहाँ भी आम मिस कर विराट कोहली को रोहित शर्मा को बुमराह को सांगे भी आज सीनियर प्लेयर भी अच्छा जमी हार्दिक पांड्या के एल राहुल है आगुरी भी मैच खेली टी ट्वेंटी मैच खेली और बहुत भल प्रदर्शन रही जहाँ भी आम मिस करूँ जहाँ आशा रही भल परफॉर्मेंस रहा और बहुत भल मैच हम सेपटे मैच को हाथ में अल्प दिन बाकी रही बेले पिच और आउटफिल्डर कार्य को शेष कर केवल नियमित भाव पा सिंचन रोलिंग करा मैच पूर्व आउटफिल्ड रु कि मात्र ग्रास कटिंग पूर्व अपेक्षा बारवाटी पिच को अन्य देशर स्टाडियम भली बैट्समैन और बोलर को सुहिला भली पिच प्रस्तुत कर एक आकर्षण मैच हो गोटे भल स्कोर है मैच हो कारण उभय दलर खेलाड़ी भल फर्म अच्छी बारवाटी मुख्य पिच क्यूरेटर पंकज पटनायक पूरा प्रस्तुति एवं बारवाटी आम आउटफिल्ड आउ पिच पूरा रेडी ही जाए खाली आम फिनिशिंग टच दौ निश्चय गोटे भल मैच आकर्षण मैच साउथ आफ्रिका इंडिया मध्य देखा मिले भाव बारवाटी सब भल पिच रोचे भल रन भी होथर भी आम 2020 जमी भल रन हुए चेष्टा कर आउटफिल्डा सेंट बेस आम सेक्रेटरी उद्यम सेंट बेस है तो जो अल्प वर्षा हेले भी आम तमें 10-15 मिनट खेल आरंभ कर दे पार तेज बारवाटी होगा हाई प्रोफाइल मैच पर आसंता 1 तारीख रु ऑनलाइन रे टिकेट और आसंता 9 तारीख रु ऑफलाइन रे टिकेट बिक्री आरंभ हो कटकुर वीडियो जर्नलिस्ट गौतम महांती विश्वजित दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज भेटरान ओडिया अभिनेता विराज दास परलोक शोक प्रकाश कर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से लिखिंट अनेक ओडिया धारावाहिक चलचित्र निखुण अभिनय द्वारा से दर्शक आदृति साउंटी पारि ओडिया सिने जगत जड़े अनुभवी कलाकार को हर अमर आत्मार सद्गति कामना करने शोक संतप्त परिवारवर्ग को समबेदना जनाई सूचना अनुसार भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था विराज दास परलोक होता मृत्यु बेलू 63 वर्ष बयस होता समय अच्छे बारवाटी धूली एक्सप्रेस खबर जात्रा को आज रखा नमस्कार।